अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह ऑर्डर आप देख सकते हैं, उसको प्रोसेस किस तरह कर सकते हैं और उसके स्टेटस वगैरह किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो आपको वो कॉमर्स के अंदर आना है और ऑर्डर के सेक्शन में आएंगे तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास जो है ऑलरेडी ऑर्डर्स अवेलेबल है कुछ सैंपल के तौर पे, और यहाँ पे कुछ स्टेटस जो आ रहे हैं उसमें कंप्लीटेड आ रहे हैं, कुछ आ रहा है फाइनलिंग पेमेंट, कुछ आ रहा है प्रोसेस। जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले जो है वो ऑल ऑर्डर्स के सेक्शन में आएगा। यहाँ पे दूसरे टैब भी दिए हैं पेंडिंग पेमेंट्स, प्रोसेसिंग, कंप्लीटेड, इस तरह की। तो जब आपके पास अभी ये प्रोसेसिंग जो या पेमेंट मैं ये वाला देख लेता हूँ, पेंडिंग पेमेंट का मैं ऑर्डर ओपन करता हूँ उसको। अब ये ऑर्डर का जो है प्रोसेस जब हुआ, ऑर्डर प्लेस हुआ और आपके पास जब आएगा सेक्शन के अंदर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं की तो जो है वो पेंडिंग पेमेंट के स्टेटस में चला जाता है, जो कि यहाँ पे स्टेटस आ रहा है। अगर कस्टमर ने जो है पेमेंट कर दी है और आपके पास नोटिफिकेशन आ गई है अब क्या किसी ईमेल के जरिए किसी भी तरह, तो यहाँ से आप उसको जो है पेमेंट अगर आपकी आ गई है तो आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे उसको, पेमेंट वो कम्प्लीट कर देंगे। अब यहाँ पे अब इस ऑर्डर के बाद मुझे बताता है कि पेमेंट वी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर का मतलब ये है कि आपने जो है पेमेंट मेथड एक अवेल ओपन किया हुआ था अपने चेकआउट के पेज के ऊपर बैंक ट्रांसफर का, उसके थ्रू जो है कस्टमर ने ऑर्डर किया है और जो है सेलेक्ट किया है बैंक ट्रांसफर का। यहाँ पे जब कस्टमर आपको ईमेल के जरिए जो है रिसीट जो है मेल करेगा तो आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे ऑर्डर को और यहाँ से जो है अपडेट कर देंगे उसको, तो जो है वो आपका ऑर्डर अपडेट हो जाएगा, मार्केट कम्प्लीट हो जाएगा। ऑर्डर के पेज पे जाके देख लेते हैं, ये देख सकते हैं कि जो है कंप्लीट ऑर्डर का स्टेटस मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। अब इसी तरह जो है अगर आपने कस्टमर का पेमेंट आ गई है आपके पास और दूसरा आप चाहते हैं कि जो है उसका स्टेटस जो है प्रोसेसिंग पे डाल दें, आप ऐसी बात है आपने ऑर्डर शिप करना है तो उसके लिए आपको ऑर्डर स्टेटस प्रोसेसिंग में डालेंगे, तो जब प्रोसेसिंग का स्टेटस आएगा तो कस्टमर को भी एक मेल जाएगी कि जी आपका ऑर्डर जो है प्रोसेस के अंदर है और जो है विद इन 3 to 4 days जितने भी दिन है वो उसके अंदर शिप हो जाएगा, बला बला इस तरह की ईमेल जो है कस्टमर को चली जाएगी। जब आप उसको कंप्लीट कर देंगे तो उस वक्त भी जो है आपको कस्टमर को मेल जाएगी या रिफंडेड कर देंगे, रिफंड करेंगे तो आप रिफंड की भी जो आपको मेल कस्टमर को चलेगी। इसी तरह सारी चीज़ों की जो है आपको मेल जो है कस्टमर को जाएगी जब आप स्टेटस को चेंज करेंगे। और यहाँ पे ऑर्डर एक्शन के अंदर भी बताता गया है ईमेल इनवॉइस ऑर्डर डिटेल्स टू कस्टमर, यहाँ से आप जो है कस्टमर का इनवॉइस ईमेल भी कर सकते हैं, रीसेंड न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन भी आप जो है यहाँ से भेज सकते हैं, जनरेट डाउनलोड परमिशन भी आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं और शिपिंग लेबल जो है यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपकी पिछली वीडियो में मैं जो है शिपिंग लेबल्स का बताया है वो मैंने यहीं से आके जो है ना बताया था कि जो किस तरह जनरेट होते हैं लेबल। ये सारी चीजें हैं अगर अब यहाँ से आपके पास बहुत सारे ऑर्डर है और आप इसको सॉर्ट भी करवा सकते हैं डेट वाइज, और ये सारे फिल्टर्स भी दिए हुए इसके अंदर। ये था ऑर्डर मैनेजमेंट, तो बहुत सिंपल था, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसके अंदर जो जो जब जब ऑर्डर आपके पास आएंगे आपको भी नोटिफिकेशन आएगी और कस्टमर को भी नोटिफिकेशन आएगी।
वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह जो है दूसरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है डिस्कस करेंगे, और वो होगा जनरल सेटिंग्स, प्रोडक्ट सेटिंग्स, चेकआउट सेटिंग्स, ईमेल सेटिंग्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जो है बात करेंगे। Thank you.